हेलो एंड वेलकम। तो बात करेंगे देवरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। देवरा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का तो बम्पर था, नो डाउट, लेकिन डे टू को अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। 65% से भी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, जबकि इसका डे वन कलेक्शन था 156 करोड़ और इसका डे टू का कलेक्शन है सिर्फ 55 करोड़। तो इसका डे वन हिंदी कलेक्शन था 7 करोड़ और डे टू है हिंदी का कलेक्शन 9 करोड़। हिंदी सिनेमा ज़रा अलग चलता है साउथ के मुकाबले में, जिसका डे वन थोड़ा होता है, फिर डे टू थोड़े से ज़्यादा होता है, फिर डे थ्री और उससे ज़्यादा होता है। तो हिंदी का मार्केट अलग है, जबकि साउथ का टोटली इससे डिफरेंट है। पहले दिन को ज़्यादा आएगा, दूसरे दिन को उससे कम, तीसरे दिन को उससे कम, डे फोर को कम 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 होते जाएगा साउथ का। लेकिन हिंदी का मार्केट अलग है, वो डे बाई डे बढ़ते रहता है, फिर मंडे और ट्यूजडे को ड्रॉप होता है। तो मूवी इसीलिए डे वन का टोटल ओवरऑल कलेक्शन देखेंगे तो हिंदी को छोड़ के कलेक्शंस अच्छे हैं, लेकिन जब बात करें डे टू की तो हिंदी को छोड़ के हर जगह पे कलेक्शंस ड्रॉप हुए हैं, जबकि हिंदी में कलेक्शन बढ़े हैं डे टू पे। इसी तरह से डे थ्री को भी कलेक्शंस हिंदी के और बढ़ेंगे, जैसा कि डे टू को 9 करोड़ हुआ था, डे थ्री को आई थिंक 12 या 13 करोड़ हो सकता है। जबकि तेलुगु में जो ओरिजिनल लैंग्वेज मूवी है उसमें कलेक्शंस डे वन के मुकाबले में कम होंगे।